हेलो स्टूडेंट्स, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के एप्लीकेशंस देख रहे हैं। कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियो में देखे हैं, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, सो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। हमने पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट को स्क्वायर को देख लिया है, प्रूव कर लिया है, यहाँ क्यूब की बात चल रही है। तो सोल्यूशन में देखें इसके, हर क्वेश्चन की तरह एक ऑर्बिटरी पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर लें। लेट एक्स बी अ पॉजिटिव इंटीजर और यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करें किसके किसके लिए। यहां डिवाइजर तो 900 हो रहा है तीनों में, लेकिन अगर हम डिवाइजर 9 लेंगे तो x के जो फॉर्म्स है 9m प्लस 0 से, यानी 9m से स्टार्ट होंगे, 9m प्लस 1, 9m प्लस 2, 9m प्लस 3, कहां तक जाएगा 9m प्लस 8। इतने फॉर्म्स में क्यूब निकालना एक लेंथी प्रोसेस होगा, तो उसके लिए हम सोचते हैं 9 को हमें फाइनली डिवाइजर बनाना, इस फॉर्म में लाना है। अगर हम 3 डिवाइजर ले लेते हैं, फिर x का क्यूब करना है, ऑलरेडी 27 आएगा और उसमें से 9 कॉमन मिल जाएगा। तो हम डिवाइजर यहां पर 3 ले रहे हैं, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर एक्स एंड 3, वी गेट एक्स इक्वल टू 3 क्यूब प्लस आर। आप जानते हैं आर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या बराबर हो सकता है, 0 लेस आर इक्वल टू आर एंड आर लेस देन 3। x की वैल्यूज इनमें से होगी, ये होगी जहां जी आर आप रख सकते हैं 0 से लेकर 2 तक, 3 नहीं। तो पॉजिटिव फॉर्म्स ऑफ x आर, आर एक बार 0 पुट कर लें तो 3 क्यूब, आर 1 पुट कर लें 3 क्यूब प्लस 1 और आर 2 पुट कर सकते हैं 3 क्यूब प्लस 2। ये तीन ही फॉर्म हुए, इसीलिए हमने यहां 3 डिवाइडर लिया है। अब बारी बारी से हम देखेंगे एक्स स्क्वायर किस फॉर्म में आता है। पहला फॉर्म, इफ एक्स इक्वल टू 3 क्यूब देन एक्स स्क्वायर 3 क्यूब स्क्वायर, 3 जा 9 3 जा सॉरी एक्स क्यूब, क्यूब को देखना है, 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 9 डिवाइजर बनाना, यहां से 9 बाहर हो जाता है 9 × 3 क्यूब क्यूब। अब 3 क्यूब क्यूब को अगर हम एक इंटीजर m पुट कर देते हैं तो 9m का फॉर्म दे देगा, यानी x क्यूब आपका कितना आ गया 9m, वेयर आपने m किसके लिए पुट किया है 3 क्यूब क्यूब के लिए। पहले केस में जब x हम 3 क्यूब लेते हैं तो x क्यूब 9m के फॉर्म में आ जाता है, ठीक। दूसरा केस कंसीडर करते हैं, इफ x इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1, अब x क्यूब को देखें 3 क्यूब प्लस 1 होल क्यूब, यहां a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। आप ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी यहां देखें क्या होगी, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। कई फॉर्म में ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, कोई भी फॉर्म आप यूज कर लें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं इसको यूज कर रहा हूं। यहां से 3 क्यूब प्लस 1 होल क्यूब निकालता हूं, पहले ए क्यूब
means 3 3 9 3 27 q cube. Next term 3a square b, 3 square 9, 9 3 are 27, q square. Next term 3ab square, 3 are 9, q, a plus b cube, 1 cube. तो यहाँ ये शुरू के तीन टर्म से 9 कॉमन आ जाएगा. ध्यान रखना हम 3 कॉमन नहीं लेंगे, हमको डिवाइजर फाइनली 9 बनाना है. 3 तो यहाँ डिवाइजर हम अपनी सुविधा के लिए लिए थे कि हमारे पास फॉर्म्स x के कम आए. 9 कॉमन अगर ले लें तो 3 क्यू क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1 क्यू क्यू और ये प्लस 1 एज इट इज. और इतने को अगर हम इनपुट कर देते हैं तो ये फॉर्म बनाएगा इसका 9 एम प्लस 1 का, वेयर एम इक्वल टू 3 क्यू क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू. दूसरे केस में 9 एम प्लस 1 का फॉर्म बना. अब लास्ट केस कंसीडर कर लेते हैं, इफ एक्स इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2. यही आइडेंटिटी यूज करेंगे, इफ एक्स इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 देन एक्स क्यूब 3 क्यूब प्लस 2 होल क्यूब. और इसी आइडेंटिटी से इसको एक्सपांड करें, ए क्यूब 27 क्यू क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी करें तो ए स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर हो जाए. 9 3 या 27 टू या 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 ए बी स्क्वायर करें तो या 9 9 4 या 36 और प्लस बी क्यू टू या 4 टू जैकेट सेम आइडेंटिटी से. अब यहां 9 डिवाइजर बनाने के लिए यहां से शुरू के तीन टर्म से 9 कॉमन हो जाएगा, जो प्लस में 8 आ रहा है वो लेस देन 9 है, यानी ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में ही रहेगा. 3 क्यू क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू एंड प्लस 8. अब अगर ब्रैकेट के अंदर ये जो है इसको अगर आप एम पुट कर देते हैं, इंटीजर होगा ये, तो ये 9 एम प्लस 8 का फॉर्म बनाया, वेयर एम इक्वल टू 3 क्यू क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू. So in all the cases, x is either of the form 9m or of the form 9m plus 1 or 9m plus 8. Hence proved. Hence the result. Hence q of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8. That's all. Let us consider next question. Show that
एवरी, पॉजिटिव, इवन, इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म टू क्यू एंड every positive or integer is of the form 2q plus 1 for some integer q. यानी हमको प्रूव करना है कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर हो वो 2q के फॉर्म में आएगा, यानी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 रहेगा, और कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर हो वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में आएगा, यानी 2 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर देगा. इसका सलूशन देखें, लेट x बी अ पॉजिटिव इंटीजर, हम एक पॉजिटिव इंटीजर ही लेते हैं, इवन आर बाद में डिसाइड हो जाएगा. अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर एक्स एंड टू, एक्स और टू के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करें. तो एक्स किस फॉर्म में आएगा, एक्स इक्वल टू 2q प्लस रिमाइंडर, वेयर 0 लेस आर इक्वल टू रिमाइंडर, हर केस ऐसा, और 2 से लेस होगा, दैट इज ऑल द पॉसिबल फॉर्म्स फॉर x आर x इक्वल टू 2q और x इक्वल टू 2q प्लस 1. रिमाइंडर एक बार 0 पुट कर दिया, एक बार 1 पुट कर दिया, 2 रिमाइंडर नहीं आएगा 2 से डिवाइड करने में. अब यहां देखते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होंगे वो इवन हो जाएंगे, इवन की डेफिनेशन, व्हाट x इक्वल टू 2q, सीधे 2 का मल्टीपल है 2 इनटू समथिंग इज इवन, अब कोई भी इंटीजर या तो इवन होती है या ऑड होती है. एज वी नो दैट एन इंटीजर इज ऑइदर इवन और odd. So, अब ये even हो गया थी, odd हो जाएगा, 2q plus 1 is odd. Hence the result, every positive even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1. तो ये इसका छोटा सा सलूशन हुआ. एक और क्वेश्चन देखें, शो दैट any positive odd integer
is of the form four cube plus one or four cube plus three. कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर अगर आप 4 को डिवाइजर बनाते हैं तो 4 क्यूब प्लस 1 का फॉर्म देगा या 4 क्यूब प्लस 3 का फॉर्म देगा, मींस या तो रिमाइंडर 1 आएगा या तो 3 आएगा। ऐसा एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं इवन ऑड के केस वाला, अब देखते हैं इसमें सेम उसी तरह का सलूशन होगा इसका। लेट x be a positive integer, हम पॉजिटिव इंटीजर ही लेट करते हैं। अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेम ऑफ फॉर x एंड 4, आप x और 4 के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करिए तो x का क्या फॉर्म होगा, 4 क्यू प्लस r, वेयर 0 लेस आर इक्वल टू r एंड r लेस देन 4। अब देखें ऑल द पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ x आर 4 क्यू प्लस 0, आज जगह पर 0 पुट करें, 4 क्यू प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 2, 4 क्यूब प्लस 3, ये चार फॉर्म्स आए रिमाइंडर 0, 1, 2, 3 तक पुट करने में। अब हमें देखना है कि जो आठ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो 4 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 3 के फॉर्म में आएगा। तो इसमें देखें हम इवन क्या है, कौन कौन से इवन है, x इक्वल टू 4 क्यू, 2 इंटू 2 क्यू, दैट इज 2 इज मल्टीपल ऑफ x, सो इट इज इवन। और जो 2 के मल्टीपल्स हो सके हैं x इक्वल टू 4 क्यू प्लस 2, यहां से 2 कॉमन ले लें, 2 क्यूब प्लस 1 ये भी 2 का मल्टीपल हो गया इस इवन। तो जो चार फॉर्म आपने बनाए थे ये इवन हो गया, ये इवन हो गया। अब कोई भी इंटीजर या तो इवन होगा या ऑड होगा, तो जो बाकी बचे हुए फॉर्म है वो ऑड इंटीजर्स के लिए होंगे। हेंस एनी पॉजिटिव odd integer is of the form, क्या बचा हुआ है, 4 क्यूब प्लस 1 और 4 क्यूब प्लस 3, ये आपको प्रूव करना था। स्टूडेंट्स आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड कई क्वेश्चन देखे, कुछ और क्वेश्चंस हैं, बड़े प्रॉब्लम्स हैं जिनमें सीधे एचसीएफ निकालना है, सच एज काजू बर्फी और बादाम बर्फी वाला और मी कंटेंजेंट वाला, इनमें सीधे एचसीएफ निकालना है, सीधे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करके एचसीएफ निकाल दे वो आंसर होगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर्याप्त हो जाते हैं। आपने रेफरेंस बुक आरडी सर में आया, आर एस अग्रवाल जो भी रखते हो उसे क्वेश्चन देखें और प्रैक्टिस करें। और इन क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं दिक्कत जाती है, परेशानी होती है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।